हम लोगों को बाहर का खाना खाने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन कुछ ही टाइम खाने के बाद उससे मन भर जाता है। लेकिन हम बचपन से जो खाना खा रहे हैं, सिंपल खाना, उससे कभी मन नहीं भरता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो हम लोग शौक में कि हाँ आज बाहर खाएंगे, अगर उसी खाने को, अलग अलग खाने को भी हम बाहर हर रोज़ खा रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। लास्ट में हम लोगों को अपना सिंपल खाना ही पसंद आता है। अब यहाँ पर मैंने मोठ की दाल ली है और इस कटोरी से मेज़रमेंट किया है, एक कटोरी मोठ की दाल और 5 कटोरी पानी। और यहाँ पर मैंने टेस्ट के अनुसार नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है। और यहाँ पर अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 5 सीटी आने तक इसको गैस पर रखेंगे। जब तक ये तैयार होता है, उबलती है हमारी दाल, तब तक हम तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 लौंग लिया है, तेज पत्ता, जीरा लिया है, कटी हुई लहसुन ले ली है, 1 साबुत लाल मिर्च है 2 पार्ट में कर लिया है, अदरक है, हरी मिर्च है। तो अब हम इसे यहाँ पर प्याज भी इसमें ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर प्याज ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा भून लेंगे और फिर मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ इसमें। ये हम बाद में डाल रहे हैं कि धनिया पाउडर थोड़ा जल्दी ही भून जाता है। और अब मैं यहाँ पर कटा हुआ प्याज डाल टमाटर डाल रही हूँ। आप टमाटर की प्यूरी भी ले सकते हैं और टमाटर ऐसे कटा हुआ छोटे छोटे पीस में भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने देगी लाल मिर्च डाली है, इससे हमारी दाल का रंग अच्छा आएगा। और तीखे में हमने हरी मिर्च और पहले ही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, और जो ये उबली हुई दाल है अब हमने इसमें डाल दी है। अभी हम इस दाल को थोड़ा और पकाएंगे, तभी ये हमारी दाल टेस्टी होगी। हो गया। अब यहाँ पर गरम मसाला हमने लिया है और थोड़ी देर और पकाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से इस दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और ये देखिए हमारी दाल तैयार है, हमने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। अब आप इस दाल को अपने चावल के, रोटी के, किसी भी चीज़ के साथ अपनी पसंद से खा सकते हैं। और ये काफ़ी कम टाइम लगा है, क्योंकि जब तक दाल बनी है तब तक हमने तड़का भी तैयार कर लिया है और इसे दाल बनने में टाइम नहीं लगा है। आपको कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टेस्टी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।